मंदिर जल्दी से बनेगा। और किन किन को खुशी है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। आज धनगर गायरी समाज के इस कार्यक्रम में देखना चाहूंगा कौन कौन खुश है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का काम हो रहा है। उठा के दोनों हाथ। हाँ, ये संदेश देता है अतिथि विराजमान है हमारे बीच में, ये हमारी हिंदुत्व का ये संदेश मिल रहा है। मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम के मंदिर में एक हमारे पूर्वज जो वर्षों से प्रभु श्री राम के मंदिर की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, हम सभी हिंदू छाती ठोक के कहते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे हर एक हिंदू के सानिध्य में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, और हर एक हिंदू की कमाई से बन रहा है, खरी मेहनत के पैसे से अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो मेरे एक लाइन को सुनिएगा, मैंने लिखी है ये लाइन अपने हिंदू का जज्बा जगाते हुए, अपने हिंदुत्व का एकता दिखाने के लिए एक लाइन लिखी है कि बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ। ये बहुत बड़ी बुलंदी है जो हमारे पूर्वज कई वर्षों से उसे छूते आ रहे हैं, और हम हिंदुओं ने सार्थक किया है कि बुलंदियों के बड़े से बड़े निशान को छुआ और उठाया इस भारत माता ने हम सभी को गोद में, तब आसमान को छुआ। ए अंधेरे देख, हेलो हेलो, अंधेरा वो जो प्रभु श्री राम के मंदिर में बाधा बन रहता है। ए अंधेरे देख, तेरा मुंह काला हो गया, और भारत का हर एक हिंदू जगा तो अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का काम चालू हो गया। हेलो, काम चालू हो गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए बालाजी महाराज की एक छोटी सी वंदना, उसके बाद में हम नृत्य कलाकार बुलाएंगे मंच पर जैसा मुझे आदेश हुआ है। लेकिन ये तीन वंदना ऐसी होती है हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार, एक छोटी सी ओनली फॉर 5 मिनट की बालाजी महाराज की वंदना हो रही है, उसके बाद में नृत्य कलाकार होंगे मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्यारा लाल जी गुजर। हेलो हेलो हेलो, जो भाई अतिथियों के पीछे खड़े हैं, कृपया मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, आप बैठने का कष्ट करें, पीछे वाले भाइयों को दिखाई नहीं दे रहा है, काफी फोन आ रहे हैं, आप बैठने का कष्ट करेंगे, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कृपया नीचे बैठ जाएं। अगर वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं हो तो हमारी माताओं बहनों के पीछे भी जगह खाली पड़ी है, और भी दरी हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई भी हम बिछा देंगे। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है, कार्यक्रम डिस्टर्ब होता है। अगर आप अब की बार खड़े रहे फिर हमें